नमस्कार बागवान भाइयों, इस वीडियो में मैं कवर करूंगा डिज़ीज़ मैनेजमेंट के ऊपर। इनका क्या कहना है विशाल बिक्टा जी का। तो सर, जैसे आपको पता होगा कि अल्टरनेरिया, मार्सोलिना और स्कैब काफ़ी ज़्यादा फैल रही है आजकल अगर देखा जाए, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि किस तरह से उसे हम रोक सकते, उसकी रोकथाम किस तरह से कर सकते, और माइट से शुरुआत करते हैं। जो आपके फंगल से कर लेते हैं, ठीक है, फंगल डिजीज जो आपकी फंगस है। देखो, फंगस का सिंपल सा सिद्धांत है, फंगस फैलेगा जहाँ नमी होगी, जहाँ आपका गीला रहेगा पेड़। ओके, तो गीला तब रहेगा आपका पेड़ अगर आपको घना है, कैनोपी आपकी डेंस है। ओके, उसी चक्कर में आपकी क्वालिटी भी नहीं बन रही। हाँ जी। और उसी वजह से आपकी फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे। अगर हम मार्सोलिना की बात करते हैं तो उसमें लीफ फॉल होता है, सबको पता है। हाँ जी। तो लीफ फॉल का पैटर्न देखो, आप सबसे पहले निचले फेर के पत्ते झड़ जाते हैं। ओके, रीज़न क्यों है, नीचे क्यों झड़ता है और नीचे क्यों ज़्यादा लगता है, क्योंकि सबसे नीचे वाली जो कैनोपी है हमारी, लोअर कैनोपी है, उसमें आपकी धूप ही नहीं पहुँच रही। हाँ जी। तो जब आपकी बारिश हो रही, बारिश होने के बाद वो काफ़ी देर तक गीला रहता है। ओके। सेकेंडली, आपका फंगस वो तब भी ज़्यादा रहेगा अगर आपके ऑर्चर्ड फ्लोर पे घास बहुत लंबा है। Okay. उस केस में भी आपका, खास करके अगर हम अल्टरनेरिया की बात करें, तो फंगल इन्फेक्शन तब भी ज़्यादा बढ़ता है। तो पहले अगर हम इसके बेसिक्स की बात करें, तो प्रूनिंग आपने ऐसे करनी है, निगी जी ने अपने कैंप्स में बताया है, कि आप अपनी कैनोपी को इस तरह से बनाओ कि धूप आपकी अंदर तक जाए, तो आपकी फंगल इन्फेक्शन कम होगी और नॉर्मल दवाइयों से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। तो अगर हम मार्सोलिना की अगर हम बात करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिकल डैमेज है हमारी इंडस्ट्री के लिए, खास करके। हाँ जी। 2M मैं हमेशा डरता हूँ इन दोनों M से, एक से माइट है, एक से मार्सोलिना ब्लॉच है। ओके। अगर आपका ये आ रहा है, तो इससे आपकी अल्टरनेट बियरिंग की हैबिट आ जाती है पेड़ों में। रीज़न ये है कि सेब सीजन के बाद हम अनदेखा कर देते हैं अपने बगीचे को, पत्ते झड़ जाते हैं। हाँ जी। आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, फूड नहीं प्रिपेयर कर पा रहा है, तो आपके बीमों को ताकत नहीं मिल पाती। हाँ जी। परिणाम स्वरूप आपके नेक्स्ट ईयर फूल तो आता है, बट उसको अनहेल्दी होता है, वो सेट नहीं कर पाता। थोड़ा सा भी विपरीत क्लाइमेट हुआ तो आपकी सेटिंग को हैम्पर करता है। तो आपने अपने पत्ते को नवंबर माह तक सुरक्षित बनाए रखना है। ओके। ताकि आपकी अगली साल की फसल पे असर, बुरा असर ना पड़े। हाँ जी। तो जो आपका फंगस है, जैसे अल्टरनेरिया है या फिर मार्सोलिना है, हाँ जी, तो इसके लिए आपको नियमित रूप से आपने स्प्रे करनी है। तो मार्सोलिना का तो बेसिक ये कि फुल ब्लूम्स के 50 दिन बाद इसकी इन्फेक्शन शुरू होने लग जाता है। हाँ तो आपने कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमिक फंगीसाइड्स को यूज़ करते रहना है। ओके। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक स्प्रे और दूसरे स्प्रे के बीच का अंतराल, हाँ, ये आपने उस हिसाब से डिसाइड करना है कि जिस हिसाब से आपकी बारिश हो रही है। ओके। अगर तो सूखे वाली परिस्थिति है, तो जाहिर सी बात है कि फंगस तो नहीं आएगा। हाँ जी। तो ऐसे केस में आप स्प्रे, दो स्प्रेयों के बीच का अंतराल बढ़ा सकते हैं। ओके। अगर आपकी जल्दी जल्दी बारिश हो रही है, तो आपने 15 की जगह 9 या 10 11 दिन में भी बारिश करनी है। ओके। ताकि आपका फंगस से पत्तियों को प्रोटेक्शन मिल सके। माइट का भी ये जी, माइट का स्टार्टिंग से आप कंट्रोल करना शुरू कर दो। कॉस्टिक सोडा आप कर सकते हैं विंटर्स में प्रूनिंग से पहले। फिर आप, जैसे आपकी स्टार्टिंग होती है, बड ब्रेक होता है, तो उसके बाद आप एग्स अगर है आपके तो होंगे, अगर पिछले साल था तो आपका जैसे हेक्सीथाइजॉक्स आता है मीडियम करके, आप उसको कर सकते हैं। Okay. एग्स कंट्रोल बहुत अच्छे से करता है। जी। फिर बहुत सारे माइटीसाइड है, आप उनको कर सकते हैं, बट माइटीसाइड का भी ये कि आपने रिपीट नहीं करना है। ओके। Okay. ना सीजन आपने उसको चेंज करते रहना है। तो और माइट की पे पैनी नज़र हमेशा रखनी है आपने बगीचे में। अगर आपके माइट पर लीव 2 से ऊपर जा रहा है, हाँ जी, तो आपने उसके लिए तुरंत नियंत्रण के लिए Okay. माइटीसाइड या किसी और चीज़ की स्प्रे करनी है। और जो स्कैब है, स्कैब का ऐसा है कि स्कैब काफ़ी ज़्यादा थी, हमने तो नहीं देखा है, क्योंकि 83 में आई थी, 2019 में लास्ट ईयर आ गई थी, इस साल बहुत ज़्यादा आई है। अब स्कैब अब आ गई है, तो अब अगली साल के लिए भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि अभी इसी में ही पत्तों में है। अब कल को पत्ते ड्रॉप होने हैं, फिर हमारे सॉइल में जानी है, ओवर विंटरिंग फंगस सर्वाइव होना है, फिर अगले साल से आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। और अगर अगले साल भी परिस्थितियां स्कैब के अनुकूल रही, तो स्कैब अगले साल भी फैलेगी। तो कोशिश ये करने की, इस साल आप अपने पत्तों को ट्रीट कर लो। Okay. पत्ते झड़ने से पहले, जैसे आप जिंक सल्फेट से कर सकते हो, आप बोडो मिक्सर से भी कर सकते हो, और आप यूरिया की 10-15 किलो की स्प्रे आप ऑर्चर्ड फ्लोर में भी कर सकते हो, ताकि Okay. जो इन्फेक्शन है अगले साल के लिए कैरी ना हो। बाकी स्कैब में भी ये है कि रिपीट मत करो फंगीसाइड्स को, चेंज करते रहो, और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड्स का यूज़ ज़्यादा करो स्कैब के केस में। ओके। और सर, कैंकर की समस्या भी काफ़ी फेस करनी पड़ती है जो ओल्ड ट्रेडिशनल प्लांट्स है, तो उसे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? जो मुझे अपना एक्सपीरियंस है जी, कैंकर एक जो आता है वो आता है प्रूनिंग से।
प्रूनिंग से आप कभी देखना, कोई ऐसा पेड़ देखना जिसमें कोई प्रूनिंग नहीं करता, कोई निगलेक्टेड सा ट्री देखना, उसमें कभी कैंकर नहीं होगा। दूसरा कैंकर आता है जो हम इसमें पेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। हाँ जी, इससे जल जाता है, पपड़ी वगैरह जल जाती है और पेपरी बाग भी आता है पेस्ट से। हाँ, पेस्ट जो कुछ पेस्ट ऐसे देखे मैंने जो इससे प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे लगता है कि कैंकर के लिए आप अगर कट कर रहे हो तो आप ऐसा कट मत मारो जिससे कैंकर आता ही आता है, खास करके जैसे बेंच कट है, बेंच कट से पेपरी बाग आता ही आता है। और जब भी आप कट मार रहे हो तो आपने थोड़ा सा स्टब रखना है, मतलब एकदम नजदीक से थोड़ा सा कॉलर रखना है। ओके, प्रून टू अ कॉलर एक टर्म आती है, क्योंकि कॉलर को आपने कंटेन करना है पीछे, पीछे से नहीं काटना। और अगर आपने उसमें पेस्ट लगाना ही है तो बेस्ट तरीका आप मिट्टी लगा दो उस पर। ओके, वो मिट्टी लगाना इसलिए ईजी है क्योंकि आपने अभी कट किया, मिट्टी आपके पास अवेलेबल है, साथ के साथ लगा लो। सेकेंडली, अगर आप उसमें पेस्ट कोई लगाना चाहते तो वाटर बेस्ड पेस्ट लगाओ। ओके, ऐसा पेस्ट जो पानी से पतला हो या पानी में घुलनशील हो। okay. जैसे लेटेक्स पेंट है हमारे, हाँ जी, एक्सटीरियर इमल्शन पेंट जो बाजार में आते हैं, ये एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल भी होते हैं, आप इसको लगा सकते हैं। तो इसके लिए भी है। तो अगर आपके कैंकर है तो आप थोड़ा सा ये कॉपर वगैरह भी आपका बहुत अच्छा काम करता है, बोडो मिक्सर अच्छा काम करता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसकी आप स्प्रेज कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि कॉपर आप फ्रूट पे नहीं कर सकते। ठीक है सर, लोअर एलिवेशन में बोरर की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, तो उसे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरा खुद लोअर एलिवेशन है, मैंने खुद इस प्रॉब्लम के साथ बहुत डील किया है। हाँ जी, रूट बोरर जो है ये मुझे नहीं लगता कि इसमें हम जो जहर डाल रहे हैं ना ज़मीन में, ब्रेंचिंग कर रहे हैं, बहुत सिंथेटिक पॉइजन डाल रहे हैं, इससे ना तो मरता है, उल्टा हमारी सॉइल जो है वो ख़त्म हो जाती है, अर्थ होम की पॉपुलेशन के पूरे हाल कर दिए। तो इसकी कुछ एक प्रैक्टिसेस है जो हमने फॉलो की जिसकी वजह से बोरर पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिला है। सबसे पहले तो मैं लाइट ट्रैप्स की सिफारिश करना चाहूँगा। लाइट ट्रैप कोई बड़ा बहुत बड़ा यंत्र नहीं है, छोटा सा आपने एक बल्ब लगाना है, नीचे आपने बकेट लगाना है, उसमें पानी डालना है आपने। क्या होता है, जो इनके बीटल्स है, बीटल्स यानी कि सुड़ी जो हम बोरर है उनके माँ बाप है, जो जो माँ है खास करके जो अंडे देती है, वो आपकी अट्रैक्ट होती है लाइट की तरफ को। ओके, वो लाइट की तरफ को अट्रैक्ट होगी, उस बकेट में गिर जाएगी, आप उसको कलेक्ट करके नष्ट कर सकते हैं। एक मादा 300 अंडे देने के लिए सक्षम होती है। अगर एक मादा को आपने मार लिया, आप ये सोचो कि आपने भविष्य में जो 300 बोरर पैदा होने थे उसका कंट्रोल आपने उससे कर लिया। ओके, सेकेंडली आप इसमें जो आपका जो ट्रंक के अराउंड वाला एरिया होता है ना जी, हाँ जी, 1.5 फीट का, वो नॉन डिस्टर्बिंग एरिया होना चाहिए। ओके, वहाँ आपने कभी भी खुदान नहीं करना है, कभी उस सॉइल को लूज़ नहीं करना, उसको जितना हार्ड बनाए रख सकते हो आप में उसको उतना हार्ड बना के रखना है। उससे क्या होगा कि आपका जो बोरर है वहाँ नहीं जा पाएगा, अगर वो डैमेज करेगा तो बाहर करेगा, बाहर करने से पेड़ सूखेगा नहीं, अगर वो क्राउन पे पहुँच गया तो आपका पेड़ ख़त्म हो सकता है। थर्डली, इसमें आप वीड मैट्स भी लगा सकते हो, अगर वीड मैट लगा देते हो आप तौलिए में, उसमें भी आपका जो एगलिंग का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो वीड मैट के ऊपर एगलिंग नहीं कर सकती है। ओके, फोर्थ, इसमें ऑर्गेनिक कंट्रोल है जो बहुत अच्छा है कि हम कर रहे हैं इसको यूज़, जो आपका एक बोवेरिया बसियाना करके एक एंटोमोपैथोजेनिक फंगस है। okay. है फंगस है बट वो कीड़ों को मारता है। ठीक, एक आपका मेटरिजियम एनिसोप्ले करके फंगस है, तो आपने उसकी ड्रेंचिंग कर सकते हो और वो इको फ्रेंडली फंगीसाइड है, वो आपके सॉइल को कुछ नहीं ऐसा वैसा करने वाले, तो आप उसकी ड्रेंचिंग करो, वो क्या करेगा आपके बोरर को नेचुरली मारेगा, मतलब वो एक फंगस है उसके ऊपर ग्रो करेगा, उसको कमज़ोर बनाएगा और धीरे धीरे करके उसको मारेंगे। ये 3-4 तरीके जो आप बोरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और सर, स्केल भी देखने के लिए मिलती है कहीं कहीं एप्पल ऑर्चर्ड में, तो उसे किस तरह से हम कंट्रोल? खास करके जो ये थोड़ी सी लो वीगर वैरायटी जिसमें स्केल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, स्केल के लिए भी मैं वही मुझे लगता है कि जो कास्टिक सोडा हम डोमेंसी में करते हैं काफ़ी हद तक स्केल को कंट्रोल करता है। और बाकी जो आपके इंसेक्टिसाइड है वो तो है ही है, बाकी मेन स्केल के लिए आपके ऑयल एप्लीकेशन है, जो ऑयल एक डोमेंट वाली, एक आपकी आगे स्प्रिंग वाली जो होती है वो कर सकते हैं आप। अच्छा, इसमें स्केल में ये भी है कि 2-3 नए केमिकल्स इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में, वो इंसेक्टिसाइड नहीं है, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, उनके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बुप्रोफेजिन है, पायरीप्रोक्सीफेन है, वो भी स्केल के लिए काफ़ी ठीक है, फायदेमंद है। ओके, अगर रूट स्टॉक की बात करें तो सर, कई रूट स्टॉक ऐसे हैं जिसमें डिजीज कुछ एक नहीं लगती, तो उसके कुछ एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो? मुझे थोड़ा सा इसमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, याद नहीं रहता, जैसे एम लाइन है आपका, वो आपका रोटिंग इश्यूज के लिए, रूट रोटिंग इश्यूज वगैरह के लिए उसके लिए टॉलरेंट है। ओके, 111 वुलिया पेलेफिड के लिए शायद, तो ये कुछ है जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स कम आती है। ओके, रेजिस्टेंस है, कुछ ससेप्टिबिलिटी भी है, वैसा नहीं है, जैसे 106 की बात करें तो उसमें रूट रोट ज़्यादा आता है। ओके, तो ऐसी जगह पर नहीं लगाना चाहिए जहाँ आपके पानी की निकासी का प्रबंध ना किया जा सके। ओके,
तो और जैसे 793 रूट स्टॉक है वो आरपीडी डिजीज़ है, यहाँ रिप्लांट डिजीज़ है, हाँ जी, उसके लिए वो रेजिस्टेंट है वहाँ उस जगह पे, वो बेहतर परफॉर्म करेगा 793। ओके, तो इस तरह से तो जो आपकी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं इस रूट स्टॉक के बारे में कि कौन सा आपके फिट बैठ रहा है। तो कुछ बड़े रूट स्टॉक उसमें इरीगेशन की कम जरूरत है, जितने ड्वार्फिंग है थोड़ी सी इरीगेशन की ज़्यादा जरूरत है और सहारे की भी ज़्यादा जरूरत है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो बागवान भाइयों, ये थे विशाल बिकटा जी, इनसे हमने इस वीडियो में बातचीत की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।